सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिलप्रीत सिंह। सो वेलकम टू अनदर डे इन आवर लाइफ। हमारी बेब दो दिन से गई हुई थी। देख के बच्चे को यार, लगी तो नहीं बच्चा, लगी तो नहीं, नहीं लगी तो नहीं, बच गई। वैसे तो वो बच गया। ओह फक, तू पहले आजा, तू पहले आजा, आजा। सीरियसली यार, फक वाज गोइंग टू हैपन। बच्चा एकदम से भागते हुए आ गया। मुझे लगा आज तो भैया कल्याण हो गया। शुक्र है भाई की ब्रेक मार ली, और मेरी स्पीड कुछ खास नहीं है। मैं कॉलोनी के अंदर ज़्यादा बाइक तेज चलाता भी नहीं हूँ। बट यार सीरियसली, अगर आपको कोई भी भाई बहन है या अगर आपके पेरेंट्स या खुद भी आप पेरेंट्स, ध्यान रखिए बच्चों को यार, प्लीज़ ऐसे रोड पे मत छोड़ दिया कीजिए। ओ भाई गई, और एच चक्कर के अगर बाई चांस बच्चों को लग जाती है, भगवान ना करा अच्छा लगा नहीं, और लग जाती तो फिर ब्लेम तो जो बाइक चला रहा था उसी पे आता। दिल हमारा ऊपर नीचे हो गया एकदम से, खतरनाक। क्या बात है। तो हमने कहा हमारी बेब का बर्थडे निकला है अभी, तो एक गिफ्ट लेके देना तो बनता है यार। वैसे तो सब कुछ है हमारी बेब के पास, कुछ और हमने वैसे मंगवा रखे गिफ्ट इसके लिए, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। टाइम लगेगा उनको आने में, तो पर वो जब आएंगे हम तभी रिवील करेंगे। बट एक गिफ्ट इसका आ गया है, तो वैसे वो इसके पास है, लेकिन हमने कहा अपग्रेड भी कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बंदा बोर हो जाता है, थोड़ी हमारी बेब भी बोर हो जाएगी, क्योंकि यार ये कैसा हमेशा बड़े टाइम पर रखा हुआ है, कुछ नवा करो। हमने कुछ नवा कर देते हैं। तो पहले छोटा सा मुझे काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद मैं जा रहा हूँ करोल बाग, वहाँ मेरे दो सब्सक्राइबर भाई मुझे मिलने आ रहे हैं, जो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक तो भाई नोएडा से स्पेशली आ रहे हैं, वो काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि भैया मिलना है, आपसे मिलना है, और मैं नोएडा जा नहीं पा रहा, क्योंकि आपको पता है नोएडा आजकल पंगा पड़ा हुआ राइट साइड का। तो उन्होंने कहा भैया आप जहाँ कहूँ वहाँ आ जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो आप यहीं आ जाओ। एक एंड एक और हमारे भाई हैं, वो शायद कई करोल बाग के आसपास रहते हैं, उनको भी मुझे काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे थे कि भैया मिलना है आपसे। तो मैं कहा भैया मैं मासूम भाई की दुकान पर जाऊंगा, तो आप वहीं आ जाना। तो वो भी वहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल का सीन तो सेट सा लग रहा है अपना, बाकी दिन बहुत हसीन है। बहुत दिन बाद सूरज सा निकल रहा है बाहर, क्योंकि भैया जी आजकल सूरज देवता जरा कम ही प्रकट हो रहे हैं, और जब गर्मियों में इतना प्रकट होंगे कि हम कहेंगे अरे वापिस जाओ, और अब इतना ज़्यादा कि हमें बुलाना पड़ता है कि आ जाओ आ जाओ। ओ फटाफट चलते हैं, थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं अपना, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, करोल बाग, मोटो किंग, मोटो किंग्स। तो लो जी, अपना जो काम होना था वो तो हुआ नहीं आज, बट कोई नहीं, कल जाए कर लेंगे। अब फिलहाल हम चलते हैं करोल बाग। अरे ये भैया का पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अब सुन ले, फोन पे लगा हुआ भैया जी। अब भैया जी पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तो फोन छोड़ोगे तो हेल्प करेंगे ना तुम्हारी, तुम लगाई से लगे हुए लग रहा है। आओ बैठो, छोड़ देते पेट्रोल तक। अरे चलो चलो भैया जी को छोड़े छोड़े, फिर आपसे बात करते हैं। अब आ जा कैमरा बंद करने के लिए भी। हाँ जरा अब बंद कर देते कैमरा। लो जी भैया जी को हमने कर दिया है ड्रॉप पेट्रोल पंप पर, एंड हम जा रहे हैं अब करोल बाग। भैया जी गर्लफ्रेंड हमें गाली दे रही होगी, यदि अच्छी कैसी बात कर रही थी मैं, तो दादा जी ने भी डिस्टर्ब कर दी भैया हमारी बातों को। तो भाई लोग, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मेरे इंस्टाग्राम पर हमारे बर्थडे, हमारी बेब के बर्थडे वाली पोस्ट, और आप अपडेट नहीं थे हमारे बेब के बर्थडे के लिए, तो यार फटाफट से जाने का इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, ताकि आपको वहाँ रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ आती है इंस्टाग्राम के ऊपर। जो मैं इसमें आज काम करवाने वाला हूँ वो भी अपडेट पहले इंस्टाग्राम पर आ चुकी होगी जब आप वीडियो देख रहे हो उससे पहले। तो इसलिए फटाफट से जाने का इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेने का है, ताकि आपको अपडेटेड सामने सामने मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा शीशे के अंदर। तो जाम लग गया यार करोल बाग में एंटर करने से पहले ही। तो लीजिए फाइनली पहुंच गए हम मोटो के।
ओए ट्रैफिक बहुत ज्यादा था रे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मशरूम की दुकान पर, हमारे कुछ भाई हमें मिलने आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यार। एक बार मैं सबका इंट्रोडक्शन ले लें। सबसे पहले तो देखो ये ब्लॉगिंग वाले भाई साहब, ये सबसे दूर से आए हैं, ग्रेटर नोएडा से, VSK व्लॉग्स नाम से भाई का चैनल है। भाई का नाम? मेरा नाम विश्वनाथ डे है, और मैं काफ़ी दिन से भाई पाजी को कह रहा हूँ मिल लो, ये कह रहे टाइम ही नहीं होता। आज फाइनली मैंने इनको करोल बाग में पकड़ लिया। थैंक यू सो मच जो भी थोड़ा बहुत टाइम दिया। बाकी मेरे चैनल पे इनका अभी का ब्लॉग दिखाओ। हाँ, तो अगर मेरा आज का ब्लॉग देखना है तो भाई के चैनल में दिख जाएगा VSK व्लॉग्स। भाई का नाम? हाँ जी, मैं आदित्य। थोड़ी जोर से आदित्य, भाई हमारे पास माइक में है ना, ऊपर कैप फोन लगा हुआ, माइक लगा हुआ। आदित्य, हम करोल बाग से आए हैं। तो भाई ने मैंने अभी स्टोरी डाली थी, तो भाई ने स्टोरी देखी है, करोल बाग से आए हैं। मेरा नाम दीपांशु है, मैं आपको पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ मिलने के लिए, आज फाइनली मौका मिला तो मैं आया। नहीं, ये लड़का बड़ा अच्छा है यार, मुझे इससे मेरी रेगुलर बात उतरी थी ऑलमोस्ट। मेरा नाम अभिषेक, मैंने तो मेरा भाई यूट्यूबर से मिलने जा रहा था, मैं भी चलूँ। क्या बात है। तो थैंक्स अ लॉट आप सबका यार, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अरे आई आई अब आए दूर से ले लेते हैं। थैंक्स अ लॉट आप सबका, आप सब आए, मतलब मैं इनको जा कर रहा हूँ लेकिन इशारा आपकी तरफ करो, समझ जाना, ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना बाद में, मैं वहीं से बोल रहा हूँ जी, आपको 2 दिन बाद बोलूँगा ये बात, ठीक है जी। भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। पहुँचा दो अगले 1 महीने में बस भाई, जो जो हालात में चैनल के लग नहीं रहा, 1 साल तक 100K पहुँचेगा। देखो रॉकेट की तरह उड़ने वाले हो बस, ये रॉकेट टेक ऑफ नहीं कर रहा है भैया, टेक ऑफ नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है? तो यहाँ खड़ी है हमारी बेब, और इस पे कुछ कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ लगा हुआ इसके ऊपर, पर मासूम में बताएंगे मासूम में, नहीं बताएंगे मासूम नहीं, अभी नहीं बताएंगे ये आपको, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा ब्लॉग के अंदर ही कि हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या पका रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। 2 hours later। तो लो जी, 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली ये हमारे गोविंद जी, आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से इनको SBK ब्लॉक से, क्या हाल है भाइयों के। तो ये हमारी विंडस्क्रीन ले आए हैं, दिखाओ जी जरा गोविंद जी अपने हाथों से, शुभ शुभ हाथों से दिखाओ। तो मैंने इस बार लाइट स्मोक मंगवाई है, एंड ये विंडस्क्रीन काफी ज्यादा ऊंची है मेरी पुरानी विंडस्क्रीन के ऊपर से, देखो ये, बाकी एक बार दिखाते हैं पास ले जाके आपको। सो ये मेरी प्यूक की पहले वाली विंडस्क्रीन, ये भी स्टॉक नहीं है, एंड ये हमारी नवी विंडस्क्रीन, तो देख रहे हो ये लगने का जरा पता लगेगा कितनी ऊंची आ रही है, तो काफ़ी ऊंची आएगी ये विंडस्क्रीन, तो होपफुली हमारी बेब और बम्प लगेगी ये लगवाने के बाद, है कि नहीं जी? अल्टीमेट लगेगी, अल्टीमेट। हाँ, तो ये DC पंजाबी राइडर भी आए हैं, देखो इनकी ये निंजा बंदा होता है, इनकी जापानी गुड़िया खड़ी है, ये लगवा रहे हैं एरो का फुल सिस्टम, और इनकी बाइक मजा आएगी, श्योर बेबी श्योर। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. टाइम टू से बाय बाय, एंड हमारा नवा वाला गिफ्ट लग चुका है हमारी बाइक के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। अब इसका से एंगल थोड़ा सेट करना पड़ सकता है मुझे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है उससे, ये काफ़ी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा आगे भी आ रहा है, पर ये लाइट स्मोक है तो आपको आई थिंक विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको मुझे आपकी यार टेंशन है यार, अपने ज़्यादा मेरे भाइयों को बढ़िया दिखना चाहिए। फाइनली निकल चुके हैं हम करोल बाग से बाहर, भैया बहुत जाम था, शाम का टाइम है, जाम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, एंड मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो यार मैंने आपको एक बात कहनी थी कि जिन जिन भाइयों का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया शाउट आउट में, प्लीज़ बी पेशेंट यार, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, मुझे हर कोई ना कोई मैसेज करता रहता है कि भैया आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा नाम नहीं लिया अभी तक, तो आई एम सो सॉरी यार, मुझे अच्छा नहीं लगता इसको मना करना, लेकिन अब क्या करूँ,
इतने सारे नाम हो चुके हैं कि अब नाम तो एक टाइम पे चार से पांच ज़्यादा नहीं ले सकता, तो इसलिए अगर आपका नाम नहीं आया तो ज़रूर आ जाएगा, ये मैं सोचना नाम लूँगा नहीं, मेरे सब में सब मेरे भाई हैं, सब मेरे लिए इक्वल हैं, तो सबसे पक्का सबका नाम लेंगे। तो फटाफट टाइम आ गया शाउट आउट देने का, मैं जेब से पहले फ़ोन निकाल लूँ फटाफट अपना। तो आज का जो पहला शाउट आउट है वो है जॉर्डन भाई के लिए, जॉर्डन भाई का नाम पहले कभी रह गया था तो उन्होंने बोला फिर से लेना तो ले लिया जॉर्डन भाई। सेकेंड शाउट आउट है बीस्ट एफ एफ। थर्ड शाउट आउट है हिफजुल रहमान। फोर्थ शाउट आउट है तनिष कुमार। एंड एक और हमारे भाई है कल्पेश 220F, उन्होंने साथ में लिखे हुआ था। तो कल्पेश 220F ये भाई से रेगुलर बात होती है मेरी, हर इंस्टाग्राम पे, हर रील पे, हर स्टेटस पे, हर चीज़ पर कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश भाई, स्पेशल शाउट आउट आपके लिए कल्पेश, तो बहुत शुक्रिया यार, मतलब कि सच्चे वाले भाई हो तुम, तो अगर आप मेरे सच्चे अच्छे वाले भाई हैं, अच्छे सच्चे वाले भाई हो, बचपन कहते हैं ना, तो मेरा अच्छा सच्चा भाई है, तो अगर आप मेरे अच्छे सच्चे भाई हैं तो हर वीडियो पे यार सॉरी हर हाँ वीडियो में तो चलो कमेंट और लाइक यही करो, लेकिन इंस्टाग्राम पर ही पूरा सपोर्ट दिया करो, क्योंकि इंस्टाग्राम से थोड़ी हमारी फैमिली स्ट्रांग होगी, हमारे जो और लोग हैं वो भी देखेंगे हाँ यार इनके फैमिली स्ट्रांग है तो हम भी इनको हमें जुड़ेंगे हमारे साथ, ये सोचकर मैं आपको याद बोल रहा हूँ, और कोई मेरा कोई लालच नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्यार लेने का है तो प्यार देने का है। तो कैसा लग रहा है हमारा नवा गिफ्ट, मैं इसकी घर जाए फोटो खींच के डालता हूँ जो अपने थंबनेल पे, नहीं नहीं थंबनेल पे डालेंगे, थंबनेल पे तो थोड़ा सा सरप्राइज रखा होगा ना हमने, तो ये सोच के चलिए। ब्लॉक करते हैं इसी नोट पर खत्म, तो राइड हार्ड राइड सेफ, दुआओं में याद रखना, प्यार लेते रहना, प्यार देते रहना, साइनिंग ऑफ, बाय बाय माय ब्रदर्स।